अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू द थर्ड वीडियो फ्रॉम डोरा गोट फार्म। हम डोरा गोट फार्म पे नदीम भाई के साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है नदीम भाई, ये आपके फार्म का बैक साइड है। क्या मौसम है ना आसिम भाई। हाँ, और ये हाईवे बन रहा है ना। हाँ, ये समृद्धि हाईवे कुछ टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट या बेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया रहेगा। ये कैसा आसिम भाई, अपने फार्म पे आने के लिए एक बहुत अच्छा रूट रहेगा। तकरीबन जो भिवंडी से लोग आते हैं अपने पास में भिवंडी रूट से, हाँ, तो उनके लिए एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर उनका बचेगा जिस दिन ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आने का रहेगा कि जम मार के आने? हाँ, नहीं नहीं, ये पूरा बनेगा आसिम भाई। ये कैसा थोड़ा हाइट पे ये लोग, एक हाईवे का जो रूट बन रहा है उस हिसाब से हाइट पे ये नीचे का भी पूरा प्लान है इनका बनने का। तो फिर कैसा गाड़ियाँ सब पार्किंग वार्किंग ये सब यहीं लगेगी और इजी रूट होगा, कन्वीनियंट रूट होगा, अच्छा रूट होगा। तो आज हम लोग पलाई का आपके बात करने वाले हैं, पलाई के चार्जेस, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, काफी लोग आपसे खरीद के आपके पास रख रहे हैं, बाहर वाले भी भिजा रहे हैं। आपने बोले कि बारिश के महीने में आप 6-6 किलो ले रहे हो, तो कैसे ले रहे हो, क्या है, सारी बातें होंगी। वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों आप। आइए नीचे चलते हैं और पूरा पलाई का सेटअप दिखाते हैं। तो नदीम भाई, अपन एक एक करके कुछ बकरे दिखा देंगे, सब बकरे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये बकरा कब आया था आपके पास पलाई पे आसिम भाई? ये बकरा अपने पास आया है जून 14 तारीख। जून 14? हाँ। मतलब लगभग 2 महीने होने आ रहे हैं। 1.5 महीना, जुलाई का महीना पूरा पकड़ो, अगस्त तो चल रहा है। चल रहा है। पहले महीने में देखो आसिम भाई, इसने कोई वेट गेन नहीं लिया। फर्स्ट मंथ था, 15 दिन सेट पीरियड में गया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत जल्दी सेट हुआ अपने लोग के पास में, विद इन 15 डेज सेट हो गया। वैक्सीन डीवॉर्मिंग सब कम्प्लीट है। अब बच्चे की काटी देखो, ये बच्चे ने अपने पास में लिया 6 किलो वजन। आप अगर इस पे 1.5 महीने में, हाँ, सोजत वाइट, ये सोहेल भाई है हमारे, बड़े भाई हमारे कब्रस्तान के, उनका बकरा है सोजत वाइट, ठीक है ना। 14 जून को ये आया है, 65 किलो पे, गेन 0 है। जुलाई का इसका अपडेट गया 71 kg, 6 किलो गेन। हर तारीख 1 तारीख को करते हो ये? हाँ, 1 से 30 के बीच में अपने लोग का मंथ रहता है। फर्स्ट वीक में अपनी हर कस्टमर्स को अपडेट चले जाती है, बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3 तारीख के बीच में कस्टमर। तो इसका आखिरी टाइम वजन कौन सी तारीख को हुआ था? ये अपन ने किए थे 3 तारीख को, 3 जुलाई। हाँ, देखा जाए तो अभी तो 3 अगस्त, 3 अगस्त को ना। हाँ, 3 अगस्त को किए तो इसका वजन बढ़ के आया 6 किलो। 6 किलो 3 या 4 तारीख को काटा किया हुआ अपने। सही है। और बकरा यहीं से खरीदा होता कि बाहर से आया? नहीं नहीं, ये बाहर से, इनने बॉम्बे से कहीं से परचेस किए थे। मतलब बॉम्बे से ही आया है ना। हाँ, बाज मरतबा जब वो बाहर से आता है, बाहर वाले भी कुछ अच्छे बकरे हैं आसिम भाई जो अपने पास। नहीं नहीं, मेरा ऐसा बोलना था, कुछ जेन्युइन लोग भी है। हाँ। लेकिन बाहर से आता है ना तो वजन बहुत ज्यादा तोड़ता है, तो पहले महीने में तो वो वजन पे आ भी जाता है। हाँ। तो इसमें फार्म वालों को अपनी भी वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए ना। नहीं चाहिए, बराबर है। क्योंकि कैसा है वो, उसका देखो कैसा बाहर से आता है तो वो एक्चुअल वेट पे नहीं होता। तो कैसा आप उसको सेट करते हो, एक स्टॉल फिटिंग पे प्रॉपर डालते हो, खिलाते पिलाते हो, ऊपर के कुछ एडिशनल सप्लीमेंट देते हो, तो जो उसने तोड़ा हुआ वजन है वो रिकवर कर लेता है। तकलीफ उसके बाद शुरू होती है। सही है। जब आप उसको वैक्सीन लगाना चालू करते हो, एक सर्टन फीड के ऊपर उसको कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ये सब जानवर आसिम भाई वहाँ पे क्या जंगल में खुले में पत्तों पे ग्रीन फोटर्स पे ज्यादा रहते हैं। स्टॉल फीडिंग, अनाज दाना ये सब दिखा नहीं रहता है। तो कहते अपन बोलते हैं ना कि कोई गरीब है जिसने कभी कुछ खाया नहीं, उसको बिरयानी खिला दो तो उसका भी पेट खराब होना है। बराबर। तो जानवरों में भी वही सब चीज है। तो वो सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद अपन सेट करके अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बकरा। तो ये पहला बकरा देख लिया, आने वाले टाइम में फिर दिखाएंगे बकरा आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट बकरा दिखाते, लेके आओ भाई। तो नजीम भाई, दूसरा बकरा आ गया, बहुत ही शानदार बकरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए भाई। जो भी भाई देखेंगे माशाल्लाह जरूर बोले जी, है ना। किसका बकरा और कब आया था? ये भी सोहेल भाई का बकरा है, अपने बॉम्बे के, सेम डेट पे आया आसिम भाई अपने पास में, 14 तारीख, 6ठा महीना, जून की 14 तारीख। हाँ, जून की 14 तारीख को हाईपेड सोजत क्रॉस ब्राउन सोहेल भाई, ठीक है, जून की 14 तारीख को बकरा आया। फर्स्ट मंथ में 14-15 दिन में 1 किलो वजन लिया था। जुलाई का इसका वेट किया 61 kg, 5 किलो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने गेन किया। तो ये जो जुलाई आप लिखे हो तो मतलब ये अगस्त की पहली दूसरी तारीख को हुआ ना? अभी जैसे जुलाई आया तो जून में अपन वेट करते हैं, फर्स्ट वीक में 3-4 तारीख तक के जैसा भी अपना रहता है। हमने कस्टमर से 1 से 5 तारीख का बफर मांगा हुआ है कि भाई इंशाल्लाह 1 से 5 तारीख के बीच में, कभी कभी अपना भी शेड्यूल बिजी होता है आसिफ भाई, तो अपन ने भी कस्टमरों से वक्त लिया हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 1 तारीख को ही पहुंच जाती है,
एक तारीख दो तारीख अगर पॉसिबिलिटी रहती है तो एक को ही चले जाती है, या कभी आगे पीछे होता है तो एक से पांच के बीच में अपन ने बफर लिया हुआ है हर कस्टमर को बोल के। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम तक के उनको वीडियोस और बकरे की पूरी अपडेट पहुंच जाती है। सही है इंशाल्लाह। तो ये सब पलाई के रिजल्ट है अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ बकरे दिखाते हैं आपको। और भाई ये तो क्या अभी सिर्फ शुरुआत है इन बच्चों की, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इसको अच्छी हयाती दिया और तंदुरुस्ती दिया तो अपन आपके चैनल पे कवर करेंगे आते चार पांच महीने में ये सब बच्चे क्या रिजल्ट पे जाएंगे। वो अभी देख लो कैसे हैं, ठंडी के मौसम में कहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको एक रेगुलर अपडेट देते रहेंगे हम लोग कुछ बच्चों के बारे में हर वीडियो में, जैसे आज पांच छह दिखाए नेक्स्ट सीरीज में दिखाएंगे। आसिम भाई अपन जब पलाई की बात करते हैं तो कस्टमर्स का भी डाउट है ना कि भाई मैं आपके पास पलाई क्यों दूं, तो ये रीजन है आप अपने पास में पलाई दो इंशाल्लाह। मेन कम्युनिकेशन अच्छा है आपका। हाँ। पूरी चीजें आपके मोबाइल में रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। हम भी कहते हैं ना आसिम भाई समझते, एक आदमी ने एक पैसा लगाया, एक उसने अपना शौक अपने थ्रू मतलब जिंदा रखा, तो वो चीज की अपन भी कदर करते वैल्यू करते, तो उनको जो चीज प्रोवाइड होनी चाहिए हर टाइम पे वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने से प्रोवाइड हो जाए। अल्लाह बरकत देंगे क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपका काम साफ है भाई। और पलाई के चार्जेस इनके 3,000 रुपए, खूटा और केज। बकरा देखो ऐसा है ना आसिम भाई, बकरा जैसा सेट होगा मैं बकरे के हिसाब से चलता हूँ, बकरा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। ये बकरा अगर कम्फर्ट, ये आपने जो बात बोले ना यही अपना हेडलाइन भी रहेगी। ये बकरा अपने साथ कैसा है कि अगर ये बोलेगा भाई मैं कूटे पे ज्यादा खुश हूँ तो अपन इसको कूटे पे डालेंगे, ये बोलेगा मैं केज में ज्यादा खुश हूँ तो अपन इसको केज में डालेंगे। और ये मोहब्बत ही है, ये एक दिन में नहीं होती है जो आज देखने मिल रही है भाई के साथ में। सही है, खेलते रहते ना भाई थोड़ा सा, कभी कभी बारिश का टाइम है तो अपन ज्यादा बाहर नहीं छोड़ते। ठीक है तो अभी तीसरा बच्चा दिखा देते हैं। नदीम भाई तीसरा बकरा आ गया माशाल्लाह। ये किसका भाई बकरा कब आएगा? ये हमारे बड़े भाई है शेरू भाई, बॉम्बे के ही है। शेरू भाई फ्रॉम बॉम्बे। आसिम भाई तर गुलाबी बच्चा कब आया था ये बकरा? ये बकरा आसिम भाई आया है 20 जून को। 20 जून हाँ, तो लगभग इसको भी डेढ़ महीने के करीब हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी भी डिटेल बताऊं, ऐसा भी होता है शेरू भाई का बकरा है सोजत वाइट, ठीक है। ये जून की 20 तारीख को आया हुआ है, पहले महीने में इसने -3 kg किया है। 59 kg पे आया था, 56 हो गया, ठीक है। फर्स्ट मंथ में सेट पीरियड में 3 kg तोड़ा है बच्चे ने 10 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई का इसका वजन किया 64 kg आया, 8 kg गेन दिया। तो वो 3 को हटाएंगे तो 5 kg तो बढ़ गया है। एक एवरेज मतलब आप 5 ही किलो पकड़ो। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है, नहीं तो लोग बार बार से बताएंगे भी नहीं, कम भी होते हैं बकरे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम पूरा खुल के ही रहेगा आसिम भाई। सही है। ये बकरा कहाँ से खरीदे थे शेरू भाई ने? ये शेरू भाई ने मेरे ख्याल से देवनार से लिए हुए। देवनार से जी, ठीक है। देवनार से आने के बाद में सेट हो गया, आज बकरा बहुत अच्छा है, गुलाबी है माशाल्लाह। जो भी ये बकरे को देख रहा है माशाल्लाह जरूर लिखे माशाल्लाह, ठीक है। 3,000 रुपए पलाई है यहाँ पर, आपके बकरे की दवा पानी ग्रूमिंग सब की जाती है, ठीक है। और बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। बारिश के मौसम में देखो कैसा खड़ा है, और फीड में भी अच्छे से अच्छा फीड दिया जाता है मौसम के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह हरी पत्ती तुवर अनाज हर वो चीज विद सप्लीमेंट्स कैल्शियम लिवर टॉनिक, कोई भी चीज की कोताही नहीं होगी इंशाल्लाह डोरा गोट फार्म पे। 3,000 रुपए पलाई है। और जैसा नदीम भाई हमेशा बोलते हैं कि बकरे के हिसाब से अपने को सेट करना पड़ता है, अपने हिसाब से बकरे को कभी सेट मत करो। अपने हिसाब से भी करते ना कर, लेकिन कैसा कि उसमें बकरे को दिक्कत तकलीफ होती है ना आसिम भाई के, भाई मेरे को तेरे हिसाब से वक्त लगेगा, आऊंगा तो जरूर मैं सेट तो होऊंगा लेकिन वक्त लगेगा। तो बकरा कहाँ कंफर्टेबल है, खूटे पे केज में खुले में? बहुत जरूरी है, ये देख दाख के काम करना पड़ता है। चलेगा तो ये एक बकरा और देख लिया, आइए चौथा बकरा देखते हैं। आसिम भाई एक और बकरा देख रहे गुजरी के अंदर। आसिम भाई ये कैसा ना थोड़ा कंटिन्यूसली करते रहता है, गर्म है हाँ, तो उसके हिसाब से गंदा है ये। अभी इसको आज निलाओ ना दो दिन में फिर ये सेम कलर पे मिलेगा, बारिश का मौसम है उस वजह से अपन थोड़ा प्रिकॉशन ले। किस भाई का बकरा है ये? भी शेरू भाई का बकरा है, देवनार से खरीदा हुआ है जी, ठीक है ना। वही 20/6/2024 को शेरू भाई बॉम्बे गुजरी मुंडा ब्राउन एंड व्हाइट, ठीक है। 20 तारीख को आया है ये बच्चा, 51 kg पे आया था, पहले महीने में 15 दिन में 1 kg वजन तोड़ा, 50 kg पे आया। दूसरे महीने में बच्चा 56 kg पे आया, 6 kg गेन, 1 kg रिकवरी, 5 kg रिजल्ट, मतलब लगभग 5 kg आपको बारिश के महीने में भी मिल ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह।
और इंशाल्लाह आगे तो और अच्छा रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। अभी तो क्या आसिम भाई ना देखो शुरुआत है, ये अभी तो आके 1.5 महीना हुआ है, ये 4-5 महीना जब बकरे एक लेवल पे जब कंप्लीट प्रॉपर जो हम लोग सेट बोलते हैं जब बच्चे वो लेवल पे जाएंगे तब दिखाएंगे इंशाल्लाह आपकी वीडियो पे अपन, वो भी क्या स्लो बाय स्लो स्टेप बाय स्टेप डालते रहेंगे इंशाल्लाह, लोगों को भी समझ में आवे कि डोरा गोट फार्म पे पलाई पे क्यों देना चाहिए। सही है, चलेगा। तो एक और बकरा देख लिए, अभी आगे चलते हैं कुछ और बकरे आपको दिखाते हैं। अभी अपन आसिम भाई दो छोटे बच्चे हैं वो दिखाते हैं, तो आइए बाहर भी कुछ बच्चे हैं ये भी दिखा देंगे हम लोग। ये पूरा इनका केज सिस्टम है, ठीक है आसिम भाई। अभी ये बहुत छोटे बच्चे अदन बच्चे हैं, तो अपन ने फिलहाल इनको खूंटे पे सेट किया है, जैसे जैसे बढ़ेंगे अगर इनमें चेंजेस की जरूरत रहेगी तो अपन चेंजेस करेंगे। ये अपने सोहेल भाई गिरकर है बॉम्बे के, ये प्रधान बिल्डिंग के हमारे एरिया के, ये इनका ये बच्चा आया था अजमेरा ब्राउन अदन, ठीक है 28 किलो पे बच्चा आया था जून की 12 तारीख को, ठीक है पहले महीने में उसने 2 किलो वेट गेन लिया है, जुलाई में उसने 35 किलो किया है, 5 किलो का रिजल्ट माशाल्लाह। छोटे बच्चे में भी ऐसा रिजल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोर बच्चा भी उनका ही है सोहेल भाई का, सेम डेट पे आया 12/6/2024, पहले महीने में 1 किलो रिजल्ट दिया, 34 kg हुआ, 33 kg पे आया था, सेकंड मंथ में 40 kg हुआ, 6 किलो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट दिया बच्चा। मतलब आपके यहाँ एक एवरेज 5 किलो तो आ ही आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये मेवाती बच्चा, हाँ ये भी अपने अब्दुल भाई सुरमे मदनपुरा के कस्टमर है, ये बकरा मेरे पास काफी टाइम से, ये 3 मार्च को आया था अपने पास में, छोटा है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अप्रैल में 2 किलो दिया है, मई में 5 किलो दिया है, जून में 4 किलो दिया है, जुलाई में भी 4 किलो लिया है। ये बच्चा अपने पास आया था 21 किलो पे, आज बकरा खड़ा 38 किलो, मतलब इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये बच्चा कैसा जिस टाइम आया था ना अपने पास, ये बच्चा पीपीआर में आ गया था, अच्छा उसके बाद भी रिकवरी करने के बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट पे है बच्चा, चलेगा चलेगा। तो हमने मतलब काफी सारे बकरे देखे जी, है ना, तो ये वीडियो हम लोग और भी दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो एक शुरुआत हुई है, है ना, तो पलाई पे भेजना है तो 3,000 रुपए, लेकिन अगर मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसे छोटे बच्चे रहे तो आसिम भाई कैसा है ना, देखो छोटे बच्चों का ऐसा है कि अपन कस्टमर से बात करके जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी करके देंगे, लेकिन उसमें डिपेंड है वो बकरा, जैसे हम लोग कोई कस्टमर से फॉर एग्जाम्पल बात करते, किसी का फोन आता है तो सबसे पहले मैं मंगाता हूँ बकरे की वीडियो, मैं बकरा देखना पहले पसंद करता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे। ऐसा नहीं है, बकरा देख के फिर अपने को भी एक अंदाजा लगता है कि भाई क्या क्वालिटी का है, अपने को भी एक दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई मेरे को इस पे क्या मेहनत करना है, मेरे को कस्टमर से क्या कनेक्टिविटी रखना है, कैसी बात करना है, तो वो सारी चीजों के लिए अपन पहले कस्टमर से वीडियो मंगा लेते और जो भी पॉसिबिलिटी होती है इंशाल्लाह पूरी पूरी करके देते हैं अपन। सही, आपका एक बार नंबर बोल दो लोगों, 9307130858। अपना फार्म महापोली में है, महापोली जो भिवंडी शहर से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है, 11-12 किलोमीटर वाड़ा रोड पे है। सब जानते हैं आज महापोली एक बहुत बड़ा हब है, इंडिया के सम ऑफ द बिगेस्ट फार्म आज ये एरिया में है, ठीक है, तो जिसको भी आना हो आ सकता है, देख सकता है। आसिम भाई अपने अपन ने मैप पे भी डोरा गोट फार्म डाल के रखा हुआ, कोई मैप पे और मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी लिखत पढ़त के साथ, लाइटली नहीं ले रहे हैं काम को, पर वक्त जरूरी तो, है ना आसिम भाई। हाँ, और ऐसा है कि ये खुद यहाँ मौजूद है, मैं एक बात बोलूंगा कि इनके फार्म पे आना होता है ना तो जैसे मुजीब भाई भी बोलते हैं कि कभी भी चले जाओ, क्यों चले जाओ, क्योंकि नदीम वहाँ रहेगा ही रहेगा, तो ये एक बात है। मतलब नहीं आसिम भाई मेरे कोई भी कस्टमर को आप इंशाल्लाह कोई एक कस्टमर के भी फीडबैक लेंगे अपन, वक्त चलते आगे जैसा भी अपनी वीडियो बनेगी, मैंने आज तक कोई भी कस्टमर को नहीं बोला कि भाई मेरे को फोन करके आओ, नहीं आपको जब जैसा, मैं भी जब भी आया आई थिंक बिना फोन के ही आ गया मैं, क्योंकि भाई अपने को मालूम है ना अपन कोई भी आवे अपन यहाँ पे मिलना ही मिलना है, चलेगा इसके अलावा अपने पास कुछ काम ही नहीं है। सही है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पलाई के कुछ और बातें होगी अनाज को लेके, हाँ ठीक है, तो जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।